हाय फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग तो ये हूँ मैं बहुत ही डल और लेजी चेहरे के साथ बट आज मैं सोच रही हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए अपने चेहरे के साथ तो आज मैं करूँगी अपना फेशियल और इसके लिए मैंने रिसीव किया है नेचर एसेंस की तरफ से ये बड़ा सा पी आर पैकेज जिसमें बहुत सारे फेशियल किट्स मिले हैं मुझे तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक फेशियल किट यूज़ करके आपको दिखाया जाए उसका रिजल्ट और ये यहाँ पर मुझे टोटल फाइव फेशियल किट्स मिले हैं जिनमें से एक है गोल्ड फेशियल किट एक है ब्राइटनिंग डायमंड फेशियल किट एक है वाइटनिंग पर्ल फेशियल किट एक है फ्लॉलेस पपाया फेशियल किट एंड एक है जेंटल फ्रूट फेशियल किट तो ये सारे जो है ना ये मुझे मिले हुए हैं एंड मैंने सोचा कौन सा वाला ट्राई करूँ तो मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा होती है प्रॉब्लम टैन से तो मैंने सोचा चलिए पपाया फेशियल किट यूज़ करते करते हैं हैं एंड रिमूव अपने चेहरे के सारे टैन को तो आप देख सकते हो मेरा चेहरा काफी ज़्यादा डल है लो लग रहा होगा बिकॉज uh, आजकल डेली स्कूल हो रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर है बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा है एंड मुझे अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है तो आज मैं यूज करने वाली हूँ पपाया फेशियल किट जिससे कि मैं रिमूव कर सकूँ अपने फेस के सारे टैन को एंड अच्छी बात क्या होगी पता है आज मैं ना सिर्फ अपने वन हाफ फेस पे यूज करूँगी ताकि आपको एक्चुअली रिजल्ट दिखा सकूँ कितनी इतना काम करता है वैसे नेचर एसेंस के ना एक मैंने एलोवेरा जेल के ऊपर वीडियो बनाया था जो आज की डेट में बहुत बहुत पसंद है आप लोगों को वो वीडियो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आप एलोवेरा जेल को कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस फेशियल किट को यूज़ करके एंड आई एम स्ट्रगलिंग रियली वेरी हार्ड टू ओपन दिस बिकॉज मुझे ना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल इसी में होता है खैर बहुत मेहनत करने के बाद ये किट खुल गई है और आप देख सकते हो इसमें आपको पाँच ट्यूब्स मिल जाती हैं और क्यूट है ना इतनी क्यूट है ना मुझे बहुत अच्छी लगी मतलब नॉर्मल सैशे में नहीं दिया आपको हर एक प्रोडक्ट को ना एक एक अलग से ट्यूब में दिया हुआ है जो कि बहुत क्यूट और बहुत हाइजीनिक बनाता है इसे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ना ये एक आपको डी टैन थेरेपी मास्क दिया हुआ है जिसको आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है और इसको पंद्रह मिनट के लिए आपको छोड़ देना है एंड इसमें जैसा इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ मतलब एक अच्छी सी थिक लेयर अप्लाई करनी है एंड पंद्रह मिनट बाद जब ये सूख जाए तब आप इसे मसाज करके निकाल दीजिए या वॉश आउट कर दीजिए या फिर आप वाइप आउट कर दीजिए तो यहाँ पर ना मैं अपनी फिंगर की मदद से ही इसे अच्छे से लगा रही हूँ और एक अच्छी मोटी लेयर लगा रही हूँ एंड आप देख रहे हो मैं अपने एक साइड पे ही लगा रही हूँ फेस के ताकि मैं आपको असली असली रिज़ल्ट दिखा सकूं कि क्या ये एक्चुअली में हमारे फेस से टैन को रिमूव करने वाला है या फिर ये एवे ही है कुछ भी तो यहाँ पे मैंने ना अपने राइट साइड पे फेस के अप्लाई किया है एंड आपके लिए स्क्रीन पे ये लेफ्ट साइड होगा नाउ इसे मैं पंद्रह मिनट बाद ड्राई होने के बाद रिमूव करूँगी तो यहाँ पर ये ड्राई हो चुका है अच्छे से अब इसे मैं मसाज करते हुए सर्कुलर मोशंस में अच्छे से रिमूव कर दूंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लगा के और इसको अच्छे से मसाज कर रही हूँ एंड देन एक अच्छे से गीले से स्पॉन्ज की मदद से इसे अच्छे से रिमूव कर दूँगी एंड देन वील सी कि क्या ये कितना काम करने वाला है किसने कुछ काम किया भी है या नहीं तो ये डी टैंक किट था तो ज़रूर कुछ ना कुछ इसका फ़र्क पड़ा होगा एंड आप देख सकते हो कि मेरी आ, वो ये वाली साइड जो है वो थोड़ी सी तो ब्राइटेंड अप हुई है कंपैरेटिवली सेकेंड वाले साइड के नाउ आई एल यूज़ द फर्स्ट वन जो कि है एक आपका क्लेंजिंग क्रीम कह सकते हो तो इसे मैं अपने फिंगर की मदद से लगा रही हूँ एंड इसकी स्मेल बहुत 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 अच्छी है मुझे बहुत अच्छी लगी तो इस क्लिनजिंग क्रीम को मैं वन ऑफ अपने वन हाफ वापस से लगाऊंगी और फिंगर की मदद से लेते हुए अच्छे से इसको मसाज दूंगी जैसे कि ये मेरे स्किन के सारे डर्ट डस्ट जो भी चीज़ें गंदगी है ना उसे मेल्ट करके बाहर निकाल दें ओके तो ये सारे स्टेप्स ना आपको हर एक ट्यूब पे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कब कैसे लगाना है कितनी देर तक हर चीज़ को यूज़ करना है तो मैं इसको भी ना एज़ पर इंस्ट्रक्शन जो भी ट्यूब पे दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसे ब्लेंड कर रही हूँ एंड देन वापस से अपने वेट स्पॉन्च की मदद से इसे अच्छे से रिमूव कर लूँगी एंड यू कैन सी हेयर कि मेरा ये वाला साइड थोड़ा थोड़ा तो वापस से डी टैन हो रहा है नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेप एंड वो होगा एक्सफोलिएशन का तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ एंड आप देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा जेल फॉर्म में है बट इसमें ना राइस के बहुत छोटे छोटे पीसेज हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मतलब ग्रेनी फॉर्म में है जब आप इसे मसाज करोगे ना तो आप एक्चुअली उन्हें फ़ील कर सकते हो आपको यहाँ कैमरे पर इतना ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा होगा बट ये जेल फॉर्मूला है एंड जेल में आपको मिल जाता है राइस के ग्रेन्स और आप जब इसे एक्सपोलियेशन की तरह से यूज़ करोगे तो ये आपके फेस के जो भी थोड़े बहुत डर्ट डस्ट जो भी आपके पोर्स में रह गया उसे रिमूव कर देगा एंड देन वापस से इसे मसाज देने के बाद इससे अच्छे से मसाज करने के बाद आप वेट वाइप से रिमूव कर दीजिए तो मुझे तो थोड़ा बहुत अंतर नजर आ रहा है शायद आपको भी नजर आ रहा हो तो नाउ हम मूव करेंगे अपने थर्ड स्टेप पर और ये है एक नॉर्मल सी क्रीम जिसको आपको अपने पूरे फेस पर अप्लाई करना है जैसे कि जो भी काम आपने अभी तक अपने फेस के साथ किया ना थोड़ा सा आपकी फेस को रिलैक्सेशन मिले तो इस क्रीम को जेंटली मसाज करना है अपनी स्किन के अंदर दो से तीन मिनट के लिए मसाज कीजिए जब तक ये डीपली एब्जॉर्ब ना हो जाए आपकी स्किन के अंदर मतलब जो भी आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है क्रीम ऊपर की तरफ दिख रहा है ना ये अच्छे से सिंक हो जाए आपके फेस के अंदर तब तक इसे मसाज कीजिए अच्छा मैं तो ये कैमरे के पर्पज से कर रही हूँ इसलिए मैंने इसे अपने नेक पर अप्लाई नहीं किया बट अगर आप इसे ये सारी चीज़ें यूज़ करते ना तो आप नेक पर भी मसाज जरूर कीजिए कैन यू सी द चेंज नाउ हम बढ़ेंगे अगले स्टेप की तरफ और जो लास्ट स्टेप है वो है एक फेस मास्क तो सब कुछ कंप्लीट करने के लिए ये एक हीलिंग फेस मास्क है एंड ये थोड़ा सा आपके पिगमेंटेशन और टैनिंग पे भी हेल्प करेगा तो इसको मैं अपने पूरे फेस पे अपने फिंगर की मदद से ही अप्लाई करूंगी एंड इसको लगाने के बाद थोड़ा सा मुझे टिंगलिंग लग रहा था क्योंकि मैंने मसाज वगैरह किया था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी स्किन जो है थोड़ी सी बर्निंग सेंसेशन फील कर रही है बट इतना ज़्यादा भी नहीं था कि मैं बर्दाश्त ना कर पाऊँ तो इसे मैंने अप्लाई किया एंड इसको मैंने छोड़ दिया ड्राई होने के लिए एंड आफ्टर जब ये ड्राई हो गया तो आप देख सकते हो मैंने इसे एक वेट टिश्यू या वेट जो भी आपके पास हो यहाँ पे मेरे पास मेकअप रिमूवर है तो मैंने इसकी मदद से इसे अच्छे से रिमूव कर लिया है एंड आई लिटरली सॉ द चेंज मेरे इस हाफ पे ना जो भी टैनिंग थी वो अच्छे से निकल गई है एंड यू कैन डेफिनेटली सी द चेंज मेरा जो दूसरा हिस्सा है वो टैंड है बट ये वाला काफ़ी ज्यादा ब्राइटर हो चुका है तो आई लिटरली लव दिस किट एंड आई एम श्योर कि आपको भी फर्क नजर आ रहा होगा तो मुझे जरूर बताइएगा कॉमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में टिल देन कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप लविंग बाय